हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, 5 जुलाई वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो की फ़्लाइट चालू हुई और इसी के साथ साथ इसी दिन से दरभंगा एयरपोर्ट पे कंपटीशन भी चालू हो गया। दोनों ही कंपनी यानी कि स्पाइस जेट और इंडिगो अपने स्तर से अधिक यात्रियों को लाना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी बीच इंडिगो ने एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है। दोस्तों, यहाँ पे स्पाइस जेट ने दो बड़ी खुशखबरी दी है दरभंगा एयरपोर्ट को। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे पहली खुशखबरी की बात करें तो यह खुशखबरी है वाराणसी की फ़्लाइट की, जो कि नाम के लिए तो इनडायरेक्ट है लेकिन ये एक प्रकार से डायरेक्ट फ्लाइट ही होगी। दोस्तों, यदि हम इस फ्लाइट की बात करें तो ये फ्लाइट होने वाली है, सबसे पहले वाराणसी से फ्लाइट दिल्ली जाएगी। दोस्तों, ये फ्लाइट वाराणसी से 8:05 पर उड़ेगी, 9:50 में दिल्ली पहुंचेगी और फिर दिल्ली से यह फ्लाइट 11:10 में उड़ेगी और दरभंगा एयरपोर्ट 12:50 में पहुंच जाएगी। यानी कि वाराणसी से दरभंगा की दूरी मात्र 4:45 की हो चुकी है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली डायरेक्ट फ्लाइट ही होगी। दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरी खुशखबरी की बात करें तो ये भी जुड़ी हुई है कनेक्टिंग फ्लाइट से, जो कि नाम के लिए तो कनेक्टिंग है लेकिन ये भी एक डायरेक्ट फ्लाइट की भांति ही है। दोस्तों, हम इस फ्लाइट की बात करें तो ये फ्लाइट है अमृतसर के लिए। यदि हम इस फ्लाइट की बात करें तो यहाँ पे यात्रियों को दरभंगा एयरपोर्ट से दिन के करीब 1:30 पे दिल्ली के लिए उड़ना होगा। दिल्ली ये फ्लाइट पहुंच जाएगी 3:20 पे और फिर करीब 2 घंटे रुकने के बाद स्पाइस जेट की ही फ्लाइट दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरेगी 5:20 पे और 6:45 में वहां पे पहुंचा देगी। और यहाँ पे अमृतसर से दरभंगा की दूरी मात्र 5:15 में सिमट जाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब से इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।